कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS, PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ी की अगली क्लास पे परिचर्चा करेंगे। पिछली क्लास तक आपने देखा कि छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रारंभिक ज्ञान के बारे में हमने देखा था पहली क्लास में। फिर दूसरी क्लास पे हमने परिचर्चा की कि छत्तीसगढ़ी का जो उद्भव है, भाषा का जो विकास है, वो क्रम कैसा है वो हमने जाना, उसके भाषा विकास के इतिहास को जाना और भौगोलिक विभेद के आधार पे और पंचमुखी वर्गीकरण के आधार पे हमने छत्तीसगढ़ को समझा था। अब हम उससे आगे चलते हैं जो आपके सिलेबस में है। तो पॉइंट जैसे कि आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ी साहित्य का विकास। तो साहित्य का विकास कहने का तात्पर्य है कि जब छत्तीसगढ़ी अस्तित्व में आ गई एज अ बोली या एज अ भाषा, उसके बाद उसमें साहित्य की रचनाएं आरंभ होती, क्योंकि जैसे ही लैंग्वेज का रूप धारण करेगी तो आपके जो स्थानीय साहित्यकार हैं वो अपनी भाषा में रचना करना प्रारंभ करते हैं। तो उसी के विचार क्रम को, उसी आधार क्रम को मानते हुए उस साहित्य का विकास कैसे हुआ है, ये जानने के हम प्रयास करेंगे। ये छत्तीसगढ़ी का साहित्य कैसे डेवलप हुआ, तो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास आपके छत्तीसगढ़ी का साहित्य का विकास क्रम माना जाता है, मतलब वहाँ से छत्तीसगढ़ी में साहित्यों की रचना प्रारंभ हुई ऐसा माना गया है। अब 1000 जो ईस्वी है आप समझ रहे हो, तो 1000 ईस्वी में इसको 3 कालखंडों में बांटा गया है, जैसा आप देख भी पा रहे हैं। मैं इसको एक अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। तो गाथा युग, ये गाथा युग को पहला युग माना गया है छत्तीसगढ़ी साहित्य का। ये लगभग 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी का कालखंड इसका माना गया है, जबकि इसके बाद जो युग माना गया वो मध्य युग या भक्ति युग की तरह जाना जाता है। इसका कालखंड 1500 ईस्वी से 1900 ईस्वी माना गया है, जबकि तीसरा आधुनिक युग की तरह जानते हैं, जिसका कालखंड 1900 ईस्वी से अब तक। तो जो भी रचनाएं हैं इसी के आधार पे डिवाइड हुई हैं। ये 3 वर्गीकरण जो है प्रमुखता नरेंद्र देव वर्मा जी द्वारा दी गई है, और इसको अमूमन जो आपके भाषाविद है, छत्तीसगढ़ साहित्य के जानकार जो हैं, वो इसी 3 कालक्रम को मानते हैं। जैसा हिंदी के भी अगर आप साहित्य विकास को देखते हैं तो उनमें भी 3 कालखंड है, उसमें आपको एक जो वीर गाथा काल का आपको वर्णन मिलता है। तो छत्तीसगढ़ में आपको कहीं भी वीर गाथा नहीं दिख रही है, तो क्या छत्तीसगढ़ में वीर नहीं थे? ये आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में क्या वीर गाथा नहीं है, तो क्या वीर नहीं थे? तो ऐसा नहीं है, वीर गाथा हमारे यहाँ भी है, लेकिन वीर गाथा आरंभिक दौर पे नहीं था, वो मध्य या भक्ति युग के दौरान ही हमारे यहाँ बहुत सी वीर गाथाएं चली हैं, और हम देखेंगे उसको परत दर परत वो कैसे हैं। तो इस साहित्य के विकास क्रम को समझने के लिए आपको फिर थोड़ा सा इतिहास की तरफ जाना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया था, जब छत्तीसगढ़ी का उद्भव हुआ था, जब छत्तीसगढ़ी को आप जानते हैं कि अर्ध मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी और पूर्वी हिंदी की पुरोधा के रूप में फिर छत्तीसगढ़ी उत्पन्न हुई या उससे आई है। तो जैसा गाथा युग का आप काल देख रहे हैं 1000 ईस्वी, तो इस इरा में क्या होता है ये अगर आप इतिहास में जानेंगे, इसी कालखंड में जो आपके कलचुरी राजवंश है वो छत्तीसगढ़ में आगमित होते हैं और छत्तीसगढ़ में एक स्थायी प्रशासन बनाते हैं। तो ये जो गाथा युग है ये उसी समय की कालखंड के आसपास है, देख रहे हैं आप लगभग 1900 के आसपास पे कलचुरी यहाँ आगमन होता है, और इसी के समय में ये गाथा युग का कालखंड चल रहा है, उसी समय छत्तीसगढ़ी में साहित्य। लेकिन मैं बताया था कि जब वे आए, कलचुरी वहाँ से आए, तो अपनी लैंग्वेज लेके आए और हमारी जो स्थानीय बोलियाँ थी उनके साथ मिक्स होकर छत्तीसगढ़ी का उत्पत्ति हुआ। तो ये वो काल है। तो जब वे आ रहे हैं, कलचुरी यहाँ आ रहे हैं, और बहुत लंबे समय तक एक स्थानीय प्रशासन के रूप में वो कार्यरत रहते हैं, और कोई द्वंद्व नहीं होता है, कोई दूसरे प्रमुख राजवंश नहीं होते, तो हमारे यहाँ
इस काल में, इस आरंभिक दौर में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते, विशेष लड़ाई झगड़े नहीं होते, इसलिए हमको वीरता वाली कहानी या युद्ध वगैरह का वर्णन नहीं मिलता है। इसलिए उसका साहित्य भी वैसा ही है, सिंपल सादा, उसमें कोई ज़्यादा युद्ध वाली वर्णन नहीं मिलेंगे। जबकि अगर आप मध्य या भक्ति युग की तरफ आते हैं तो 1500 से 1900 ईस्वी के आसपास कल्चुरी प्रशासन के साथ साथ भी कुछ कुछ और राजवंश यहाँ उत्पन्न हो जाते हैं, बाहर से आते हैं, तो फिर वहाँ पे द्वंद्व की स्थिति बनती है, क्षेत्रों के लिए लड़ाइयाँ, युद्ध होता है। तो यहाँ पे आपको बहुत से वीर रस के या वीर गाथा के उदाहरण आपको छत्तीसगढ़ के साहित्य में मिलेगा। तो ये कालखंड है। वैसे ही आधुनिक काल 1900 के इरा के बाद आप देखते हैं तो अंग्रेजों का प्रशासन इस समय चल रहा होगा और उसके खिलाफ या उन विचारों को, मतलब जनता को जागरूक करने वाली विचारधाराओं के साथ यहाँ का साहित्य वैसा डेवलप होता है। तो ये तीनों कालखंड के होने का आप समझ रहे हैं, इसके इतिहास के आधार पे आप इसको समझ पा रहे हैं कि ये कैसे कैसे इनमें उनका प्रभाव पड़ा है। गाथा युग को छत्तीसगढ़ी साहित्य का या छत्तीसगढ़ के साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे, स्वर्ण युग कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है स्वर्ण युग? किसी भी युग को स्वर्ण युग क्यों कहा जाएगा? इतिहास में जैसे आप देखते हैं कि स्वर्ण युग किसी पर्टिकुलर शासक के अच्छे कार्यों के लिए जाना जाता है, तो वैसे ही साहित्य का स्वर्ण युग इसको कह रहे हैं, गाथा युग को। तो क्यों? क्योंकि देखिए, इस समय कलचुरी ही एकमात्र प्रशासन थी, पूरे छत्तीसगढ़ में उनका प्रशासन चलता था, रतनपुर से वो शासन करते थे आरंभिक दौर पे। तो कोई भी और अनदर राजा या अनदर राजवंश से नहीं होने के कारण यहाँ सामाजिक स्थिरता है, राजनीतिक स्थिरता है। तो राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता होने के कारण साहित्यकार भी स्थायी रूप से अपना वर्णन करेंगे। तो इस समय गोल्डन पीरियड माना जाता है, वहाँ कोई भी झगड़े या उसकी स्थिति नहीं है, तो साहित्यकार भी शांतिपूर्वक अपनी रचनाएं करते हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ के साहित्य में इसको स्वर्ण युग का दर्जा दिया गया है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, इसको क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इसके विषय में आप लोगों ने एक विचारधारा बना ली होगी, ये तीनों कालखंड को आपने समझा होगा कि वो कैसे साहित्य का डेवलपमेंट हो रहा है। अब हम इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। गाथा युग, जैसे मैंने बताया कि 1000 से 1500 ईस्वी के आसपास, फिर मध्ययुग के बाद आधुनिक युग। तो अगर साहित्य की रचनाएँ देखें, तो अगर आप विचार करें कि किसी भी लैंग्वेज में, चाहे छत्तीसगढ़ी भाषा हो, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे अंग्रेजी भाषा हो, किसी भी भाषा में अगर साहित्य का पहला डेवलपमेंट हुआ होगा, किसी ने पहली साहित्य में रचना लिखने की कोशिश की होगी, तो वो किस विधा में होनी चाहिए? विधाओं के बारे में आप जानते होंगे, एक विधा होती है पद्य विधा और दूसरी होती है गद्य विधा। तो अगर आप विचार करें कि पद्य में रचना होनी चाहिए या गद्य में, अगर आप सोचें, ध्यान से सोचें, तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी भाषा में पहली रचना जो होनी चाहिए वो पद्य विधा में होगी। अब पद्य और गद्य का आपको अंतर समझ में आना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि साहित्य भाषा, किसी भाषा के साहित्य में प्रथम रचनाएं किस आधार पे होंगी। तो पद्य जो विधा है, मूलतः लयबद्ध कविताएँ या शायरी या गीत या भजन जो आप जानते हैं, वो वाली विधाएं जो हैं पद्य विधा में आती हैं। जबकि गद्य विधा में कहानी, निबंध या पत्र का प्रारूप होता है। मतलब अगर पद्य को देखें तो उसमें लय होती है, तारतम्यता होती है, उसको आप गाकर सुना सकते हो। और गद्य में एक पैराग्राफ टू पैराग्राफ, हालांकि गद्य आसान होता है, पद्य कठिन होता है, ये भाव प्रधान होता है। पद्य जो हमेशा भाव प्रधान होगा, जबकि गद्य जो है विचार प्रधान होगा। मतलब यहाँ जो महत्वपूर्ण होता है वो भाव का आना होता है। जैसे आप गीत सुनते हैं तो किसी भी गीत को आप सुन के समझ जाते हैं कि वो किस तरीके का गीत है, मतलब उसमें दुख है या प्रसन्नता है, वो उस रस का आप अनुभव कर लेते हैं उस गीत के माध्यम से ही। तो ये भाव प्रभान होती है। मतलब गज़ल हो गई, शायरी हो गया, उसको आप पढ़ने से ही समझ जाते हैं कि उसकी भावना कैसी रही होगी, उसको लिखते वक्त वो किस पीड़ा में है या किस खुशी में है, आप समझ जाते हैं। तो यहाँ भाव प्रधान होता है। जबकि गद्य में कोई रचना होती है
तो वहाँ विचार प्रधान होता है। यहाँ विचार की इम्पोर्टेंस होती है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो वहाँ तक पहुँचे, वो विचार वहाँ तक पहुँचे। इसमें सूचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जैसे आप कहानी के माध्यम से पूरे सूचनाओं को सामने वाले को बताते हैं, या आवेदन पत्र लिख के आप सूचनाओं को बताते हैं। तो मूलतः यही अंतर है गद्य और पद्य में। अगर आप इसको मोटे मोटे तौर पे पकड़े तो पद्य जो है कविता का प्रारूप होता है, जबकि गद्य को आप कहानी की तरह समझ सकते हो। तो ये बेसिक अंतर है पद्य और गद्य में। अब जब हम साहित्य की रचना की ओर आते हैं, तो आरंभिक दौर पे जो लोग होते थे वो गीतों के माध्यम से अपने विचारों को एक दूसरे को बताने की कोशिश करते थे। तो यहाँ से जो रचना है वो पद्य विधा में होगी। तो गाथा युग का जो शुरुआत है, जो हमारे यहाँ भी साहित्य है या किसी भी भाषा का साहित्य हो, आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि छत्तीसगढ़ी में आरंभिक दौर पर साहित्यों की रचना किस विधा के तौर पे हुई या किस विधा में हुई, तो आप हमेशा पद्य कहेंगे। तो गद्य जो है वो बाद में आता है। तो गाथा युग के आरंभ मतलब यहाँ पे जो रचनाएं होंगी वो पद्य विधा में होगी, और ये लगभग लगभग आपके भक्ति युग के बाद तक चलता है। और भक्ति युग और आधुनिक युग जब वो चेंज होते रहता है इंटरफेस, तो यहाँ से रचनाएं मूलतः आधुनिक युग में ही गद्य में रचनाएं आरंभ होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ गद्य आरंभ होने के बाद पद्य में रचनाएं आधुनिक युग में नहीं मिलेंगी आपको। यहाँ भी पद्य रचनाएं होंगी, यहाँ भी कविताएं और शेर व शायरी चलते रहेंगे, लेकिन अब गद्य जो है प्रधान भूमिका निभाएगा। यहाँ जो विचार जो है प्रस्तुत करने के लिए जो साहित्यकार हैं वो गद्य का रूप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इससे पहले तक पद्य के प्रारूप में चलेगा। ठीक है, मैं तो पद्य की रचनाएं आप समझ पा रहे हैं कि जब आरंभिक दौर होगा तो कहानियों के माध्यम से या गाथाओं के माध्यम से एक दूसरे के विचार को वो प्रस्तुत करते हैं। तो उसी कालक्रम में गाथा युग, जैसे इसका नाम ही है गाथा युग, तो ये गाथाओं का युग है। इस समय जो जितनी भी साहित्य की रचनाएं हैं वो गाथाओं के रूप में आपको मिलेंगी। तो गाथा रूप कहने का मतलब एक स्टोरी या कथा जो कि फॉर्म होगा पद्य प्रारूप में। तो इसमें बहुत सारी कहानियां हैं आपके छत्तीसगढ़ी साहित्य में भी, जो मौखिक रूप से उस समय अवसंचरित हुई, और अगर आप देखें उस समय वो लिखी नहीं गई, मतलब लिपिबद्ध कभी भी नहीं की गई। गाथा युग जब चल रहा है तो वो मौखिक तौर पर एक के बाद दूसरे को मिलता था। ये इनकी जो रचनाएं हैं गाथा युग में जितनी भी रचना है वो लिखी गई हैं आधुनिक युग के आरंभिक काल में, राइट। यहाँ पे वो लिखित फॉर्म में नहीं मिलेगा, इस समय मौखिक ही चल रहा होगा। जब आधुनिक युग में आपके नए विचारधारा के लोग उपस्थित होंगे, नए साहित्यकार उपस्थित हो जाएंगे, तो वो पुरानी जो गाथाएं हैं उनको भी सहजने का प्रयास करेंगे और यहाँ उनको लिपिबद्ध करते हैं। तो यहाँ पे लिपिबद्ध नहीं होगी, ये याद रखिएगा, ये मौखिक तौर पर ही विचरित होते रही। तो गाथा युग में प्रमुख प्रमुख स्टोरियां हैं। ये पूछता है डायरेक्ट आपके एग्जामों में कि किससे संबंधित है, क्या इसमें वर्णन है। तो अपन धीरे से उनके सभी के डिस्क्रिप्शन के बारे में देखेंगे। तो इसमें गाथा युग में प्रमुखता प्रेम गाथा और धार्मिक गाथा के रूप में आपको कहानियां मिलेंगी। तो विभिन्न कहानियां हैं, जैसे देख रहे हैं आप अहिमन रानी की गाथा, केवला रानी की गाथा, रेवा रानी की गाथा, फिर राजा वीर सिंह की गाथा, इन सब की छोटी छोटी स्टोरी है, इनको हम जानने का प्रयास करेंगे। ये डायरेक्ट पूछता है, इनके बारे में बताने को पूछता है, तो आपको लिखते वो बने समझ के। और धार्मिक गाथा में देखते हैं, गाथा युग का ही पार्ट है, ये दो सिरा मान सकते हैं इसको, एक रूप है ये और दूसरा रूप है धार्मिक गाथा। तो धार्मिक गाथा में प्रमुखता फूलबासन की गाथा और पंडवानी आप जानते हैं, तो इनके बारे में हम परिचर्चा करेंगे अभी। ये रूप में चलते हैं। जब आप भक्ति युग की तरफ आते हो या मध्य युग में, तो वो फर्दर तीन सेक्शनों में टूटता है। एक जिसको वीर गाथा हमने कहा कि यहाँ पे अब अन्य राजवंश आ जाएंगे, तो कुछ कहानी जो है वीरता की आपको देखने को मिलेगी कि राजा कैसे अपना कार्य कर रहे हैं, तो उस पर भी यहाँ पे साहित्य रचनाएं होंगी। दूसरी जो विचारधारा है वो धार्मिक और सामाजिक विचारधारा, जबकि तीसरा स्फुट रचना यानी स्वतंत्र रचनाओं के रूप में मिलती हैं। इसके बाद आधुनिक युग का कार्य जो कालखंड है, इसमें आपके
1900 के बाद, मतलब पंडित सुंदरलाल शर्मा के बाद से अब तक, जैसे विनय कुमार पाठक, विमल कुमार पाठक, ये सभी इसमें शामिल है। तो ये प्रमुखता आपके सिलेबस में छत्तीसगढ़ के साहित्य और साहित्यकार वाले सेक्शन में आता है। तो इनमें सीधे सीधे साहित्यकार की रचनाएं पूछते हैं, तो हम उनको एक अलग आयाम में देखेंगे कि उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, वो सीधे डायरेक्ट हम बात करेंगे उस पर। तो अभी ये वाले पार्ट को हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे, इसको अगले सेशन पे देखते हैं, आधुनिक युग के पूरे साहित्यकार और उनकी रचनाओं को, जबकि इन दोनों पे आज हम डिटेलिंग करेंगे। तो सबसे पहले गाथा युग की पहली कहानी आप जो देख रहे हैं, अहिमन रानी की कहानी। तो कहानी है, छोटी छोटी कहानियां हैं, इसको आप सुनते जाइए और समझने का प्रयास कीजिए। तो अहिमन रानी की जो कहानियां हैं, कहानी है, वो बेसिकली संबंधित है उनके बाहर जाने से, मतलब घूमने जाने के एक कहानी है उनकी। कि इस कहानी में होता क्या है कि उनके राजा का नाम है राजा वीर सिंह, अहिमन रानी के जो राजा होते हैं राजा वीर सिंह, और वीर सिंह एक बार किसी कार्य से अपने राज्य से बाहर गए हुए होते हैं। तो राज्य से बाहर गए हैं तो अमूमन जैसे होती हैं रानी की सखियां होती हैं, सहेलियां होती हैं, तो वो चेष्टा करती हैं जब राजा नहीं है तो फिर चलो हम सहेली को लेके कहीं घूम के आते हैं। तो ऐसा ही प्रस्ताव अहिमन रानी की सखियों ने रखा उनके समक्ष कि चलो अभी तो राजा जी हैं नहीं, तो आपको परमिशन लेने की किसी से आवश्यकता नहीं है, तो हम चलते हैं थोड़ा सा घूम के आते हैं, थोड़ा स्नान विस्नान करके आते हैं जंगल में, थोड़ा पार्टी मना के आते हैं इस तरीके से। तो अब चूंकि अब रानी तो जाने को उनका भी मन था, लेकिन राजा तो नहीं थे, लेकिन राजा की माँ यानी कि अहिमन रानी की सास वहाँ उपलब्ध थी, तो उनके बिना अनुमति के वो जा नहीं सकती थी। अब रानी ने अपने सास के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि हम सहेली मिलके घूमने जाना चाहते हैं। अब चूंकि सास ने उनको मना कर दिया क्योंकि राजा है नहीं, राजा वीर सिंह अभी है नहीं यहाँ पे, तो मैं परमिशन नहीं दे सकती, आप मत जाओ। किंतु अब सहेलियों के जिद के आगे अहिमन रानी हार जाती हैं और वो अपनी सास की बात को अनसुना करते हुए वो चले जाती हैं। अब ये जाते हैं बढ़िया सभी सहेलियों के साथ और वहाँ जंगल में अपना पार्टी कर रहे हैं, स्नान ध्यान कर रहे हैं, ये चलता है सिलसिला। तो जैसे जानते हैं कि काफिला जब जाता है राजा या रानियों का, तो घुड़सवार या घोड़े वगैरह लेके जाते हैं, तो केवल रानी और सहेलियाँ हैं तो अपने अपने घोड़े में वहाँ गई होती हैं। अब जब वो स्नान कर रही होती हैं झरने पे, तो पास में ही पेड़ों पे उन्होंने घोड़ों को बांध दिया, घोड़ों को बांध के वे निर्भीक होके वहाँ स्नान ध्यान कर रहे हैं अपना। अब इस बीच इस स्टोरी में एक व्यापारी आता है, वो व्यापारी बेसिकली राजा वीर सिंह के राज में आके व्यापार करने आता है, वहाँ के बाजार में व्यापार करने के लिए, और उसी दौरान वो भी उस जंगल से गुजरता है। अब वो जब जंगल से गुजरता है तो वो देखता है कि एक साथ बहुत से घोड़े बंधे हुए हैं, चूँकि झरने से थोड़ी दूर रानियों ने बांध के रखा था, रानी और उनकी सहेलियों ने घोड़े को, तो वो स्वतंत्र रूप से मानता है कि घोड़े ऐसे ही खड़े हैं वहाँ पे। तो व्यापारी का दिमाग चला कि बिजनेस, वो घोड़े देखते ही समझा कि इसको बेचूं और बेच के इससे पैसे कमा लूं। तो वो सारे घोड़े को उठाता है और उसमें जो रानी और उनके सहेली के कपड़े आभूषण होते हैं उनको भी उठा के ले चलता है मार्केट और जाके बेच भांज के आ जाता है। अब उधर बेच दिया, वापस फिर से वही उसी जंगल में आता है कि फिर कुछ मिल जाए, व्यापारी फिर से आता है कि और कोई घोड़ा वोड़ा मिल जाए तो और बेचूँ मैं। अब इस बीच रानी और उनकी सहेलियां जो है स्नान ध्यान करके वापस आती हैं, अब देखती हैं कि उनके घोड़े गायब, कपड़े गायब, आभूषण गायब। अब वो चिंता में कि कहाँ गया कपड़े, कहाँ गया हमारा घोड़ा, अब क्या बताएंगे, राजभवन जाएंगे तो सास को क्या जवाब दूंगी, उनकी बात तो मैं अवहेलना करके आ गई। तो फिर उसी बीच वो व्यापारी फिर से दूसरा घोड़ा ढूंढते ढूंढते आता है। अब इधर रानी का रोना धोना शुरू हो गया, तो व्यापारी बताता है, जब देखता है तो उनसे बात होती है, तो वही बताता है कि वो घोड़े तो मैं बेच आया, मैं सोचा कि ऐसे ही खड़े हैं। अब उनको क्या पता कि रानी और उनकी सहेली ने उनको बांध के गए थे थोड़ा दूर झरने से। तो अब व्यापारी भी थोड़ा सोचता है कि क्या करूं मैं, ऐसा तो अब मैं तो उनको बेच आया। तो अब रानी कहती नहीं, मुझको किसी भी हालत में चाहिए अब घोड़े और आभूषण तो चाहिए। अब व्यापारी कहता है यार ये तो गड़बड़ हो गया, और वो सख्त व्यापारी, अब बेच के तो आ गया है, वापस मिलने से रहा तो क्या करें। तो इस स्थिति में कुछ तो अब उपाय उनको सुझाना पड़ेगा।
तो फाइनली रानी उनसे गिड़गिड़ाती है कि कम से कम हमें कपड़े और आभूषण जो है वो मिलने चाहिए। तो व्यापारी भी पिघल जाता है और रानी से, रानी की जो रिक्वेस्ट है वो मान लेता है और उनको कहता है चलो ठीक है, मैं वो घोड़े और आभूषण तो नहीं ला सकता जो मैं बेच दिया, लेकिन मैं नए आभूषण और घोड़े ले देता हूँ ताकि आप कम से कम सुरक्षित राजभवन पहुँच जाएँ। तो व्यापारी को जो रानी है वो भाई की तरह मान लेती है और व्यापारी भी उसको बहन की तरह मान लेता है, उनको नए घोड़े दिलाता है, नए आभूषण, नए कपड़े दिलाता है और उनको भेज देता है। अब यहाँ तक का कहानी ठीक है। अब रानी और सहेलियाँ उसकी जब राजभवन पहुँचती हैं तब तक राजा वीर सिंह वहाँ वापस आ चुके रहते हैं। अब राजा वीर सिंह को उनकी माँ ने कहानी सुना दिया कि मैंने मना किया तब भी इन लोग गए हैं जंगल झरना अपना पिकनिक मनाने। तो राजा आते साथ गुस्सा हो जाता है, बहुत तेज गुस्सा, और फिर जब देखता है कि नया घोड़ा मिल गया है, कपड़े नए हैं, आभूषण नए हैं, तो उसके मन में कुछ दूसरे विचार चलने लगते हैं और वो और अधिक गुस्सा हो जाता है। अब इस बीच रानी कुछ कहना चाहती है, अपना बात रखना चाहती है, लेकिन राजा वीर सिंह सुनते नहीं। तो मतलब आप यहाँ पे नारी की असमर्थता देख रहे हैं, रानी की बात राजा ने नहीं सुनी और सीधा उनको आदेश दिया कि आप मायके चले जाओ, मैं छोड़ के आता हूँ, अपना बोरिया बिस्तर बांधो चलो। अब रानी करती तो क्या करती, राजा का आदेश है, उन्होंने अपना कपड़ा वपड़ा पैक किया, अब राजा उन्हें छोड़ने जा रहे हैं। अब राजा दूसरे दिमाग से चलते रहता है, यहाँ पे क्रूरता दिखेगी आपको कि स्त्रियों के प्रति इस काल में व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो राजा क्या करता है, मायके ले जाने के बहाने ले चलता है और जंगल के रास्ते जब वो जाता है तो रानी को नीचे गिरा के उसकी चोटी घोड़े के पूंछ के साथ बांध के पूरे जंगल में घसीट देता है। तो भाई किसी व्यक्ति को अगर घोड़े के पूंछ में बांध के अगर लंबे जंगल में घसीटा जाए तो स्वाभाविक बात है उसकी मृत्यु हो जानी है। तो रानी की मृत्यु हो जाती है, वहीं उसकी शव को राजा छोड़ के वापस अपने राजमहल पहुंच जाता है, बोलता है कि मैं मायके छोड़ आया उसको। अब फिर से अब वो व्यापारी जो है वहाँ मार्केट में विचरण कर रहा है, वो अपना सामान बेच रहा है क्योंकि वो उस राज्य में आया ही था जो अब इसका भाई बन गया था रानी का। अब वो उसी जंगल को अपना आशियाना बना लेता है क्योंकि वो जंगल उसके लिए बड़ा शुभ, पहले ही दौरे में उसको बहुत से घोड़े मिल गए थे, प्रॉफिट हो गया था, तो वो जंगल पे ही वापस आता है। तो वो देखता है कि जो रानी है उसका शव वो देखता है जिसको वो बहन मान चुका था, तो वो बड़ा दुखी होता है उसके शव को देख के और रोने लगता है, बिलखता है। फिर यहाँ पे आपको इस स्टोरी में अब यहाँ पे पारलौकिक शक्ति, अंधविश्वास भी कह सकते हैं आप इसको, ये आपको यहाँ मिलेगा। तो राजा जो रानी है उसके शव को देख के उसका भाई, व्यापारी भाई जो बन गया है, वो अब शिव जी की आराधना करता है, माता शिव, शिव भगवान और माता पार्वती की आराधना वहाँ करता है और काफ़ी कठिन तपस्या करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती उनको दर्शन देते हैं, प्रसन्न होकर आते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या वर चाहिए वत्स। तो व्यापारी अपनी गाथा सुनाता है कि ऐसा ऐसा है तो इनको पुनर्जीवित कर दो, ये मेरी बहन है, तो ठीक है। और साथ ही एक वरदान देते हैं माता पार्वती कि जब तक आप लोग नहीं चाहोगे तब तक राजा इनको नहीं पहचान पाएंगे, मतलब रानी उन्हीं की रानी है, ये नहीं पहचान पाएंगे, ये वरदान भी देके जाते हैं। तो रानी पुनर्जीवित हो जाती हैं और माता पार्वती के आशीर्वाद से, वरदान से उनको ये मिलता है कि राजा उनको ना पहचान पाए जब तक ये नहीं बताएंगे। तो ऐसा पुनर्जीवित होने के बाद व्यापारी चूंकि वहाँ के मार्केट को अच्छा समझ चुका था और वहीं वो रहने लगता है, राजा वीर सिंह जो इन रानी के पति हैं वहीं वो निवास करते हैं उसी नगर में और अच्छा अपना बिजनेस करते हैं और काफ़ी प्रसिद्ध व्यापारी के तौर पे उस राज्य में उभर के आते हैं और साथ में जो रानी है उनके बहन के रूप में उनके साथ रह रही होती है। तो जब प्रसिद्ध व्यापारी हो जाते हैं तो फिर से राजा वीर सिंह उनसे भेंट करने की इच्छा रखते हैं और वो मिलने भी जाते हैं। तो जब व्यापारी से मिलने जाते हैं तो उनका अच्छा आवभगत होता है राजा का, फिर वो अपनी रानी जिसको वो अब पहचान नहीं पा रहे हैं उनसे फिर से मुलाकात होती है, उनको देखते हैं तो फिर मोहित हो जाते हैं उनसे और फिर व्यापारी से बात रखते हैं कि मैं आपकी बहन से शादी करना चाहता हूँ। तब फिर व्यापारी उनको बताता है कि आप जिनको नहीं पहचान पा रहे हो यही आपकी रानी है जिसको आपने
मृत्युदंड दे दिया था, आपने घसीट के मार दिया था। तो राजा को काफ़ी अफसोस होता है इस बात को जानकर। फिर वो पूरी कहानी जब सुनाते हैं व्यापारी की, ऐसी ऐसी घटना हुई थी, रानी की कोई गलती नहीं थी, तो राजा को काफ़ी दुख होता है और वो पुनः फिर अपनी रानी से विवाह करते हैं और लेके उनको जाते हैं। तो इस तरीके से इस कहानी का हैप्पी एंडिंग होता है। बट आप देख रहे हैं कि इस पूरे स्टोरी में रानी की बात सुनने के लिए राजा कहीं भी एग्री नहीं हुआ। अगर वो बात उसी समय वो सुन लिया होता जब रानी राजमहल में आई थी, उनको सजा देने से पहले, उनको दंड देने से पहले ये बात सुन लेते, तो ये इतनी दुखद कहानी नहीं बनती। तो इससे आप देख पा रहे हैं कि मतलब स्त्रियों की बात इस कालखंड में नहीं सुनी जा रही है। इस कहानी के माध्यम से आपको इतना तो पता लग रहा है, ठीक है। तो ये एक कहानी, इस कहानी का मोटा मोटा सारांश है, यही इसका आंसर। तो अगर आपको पूछे तो किससे संबंधित है या इन कहानियों में कैसा वो रहा, तो आप बता पाएंगे, इसको लिख पाएंगे। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर, जो कि है केवला रानी की कहानी। तो केवला रानी की भी कहानी लगभग अहिमन रानी की कहानी की तरह ही है। इनके राजा का नाम रहता है मदन सिंह, जो इनके राजा होते हैं। तो बेसिकली इनका नया नया विवाह हुआ होता है, मदन सिंह और रानी केवला का। और विवाह होने के बाद छत्तीसगढ़ में एक परंपरा है, और अमूमन बाकी स्टेटों में भी होता है, कि जब पहला विवाह होता है तो विवाह होने के बाद स्त्री कुछ समय के लिए अपने मायके वापस जाती है, और वहाँ मायके जाने के बाद वो वहाँ कुछ दिन रहती है और फिर से जो दूल्हा होता है या जो उसका वर होता है उसको लेने जाता है। तो इसको गौना कहते हैं, जब वो वापस उसको लेने जाता है, गौना करा के वो वापस लाएगा शादी करने के बाद। तो गौना का प्रोसेस होना था, रानी काफ़ी दिन से मतलब शादी होके जब वो अपने ससुराल आई, ससुराल आने के बाद मायके वापस गई, तो मायके से वापस लाने का प्रोसेस गौना कहलाता है। तो ये गौना जो है काफ़ी दिन हो जाता है, रानी को एक महीने हो गए, दो महीने हो गए, राजा अपने राज कार्यों में व्यस्त हैं थोड़े, तो वो लेने नहीं जा पाते हैं। तो केवला रानी क्या करती है, एक संदेश भेजवाती है अपने राजा मदन सिंह को कि भाई गौना का समय काफ़ी बीत गया है, आपको अब मुझको लेने आना चाहिए। तो अब राजा मदन सिंह को लगता है कि ये तो मुझको आदेश दे रही है, अब इस चीज़ को वो अपने अपमान के रूप में देख लेते हैं, राइट, कि मुझे कोई आदेश दे रहा है और मेरी ही रानी मुझको आदेश दे रही है कि मुझको लेने आओ। हालांकि वो चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, सामाजिक जो स्थिति है, गौना का प्रोसेस जो है वो जल्दी होना चाहिए। तो इस नज़रिए से अब गुस्सा होकर जो राजा मदन सिंह है, चलो ठीक है तुम बुला रही है तो हम आते हैं लेने, चले जाते हैं रानी के मायके, उनको वहाँ से विदा कराते हैं, गौना कराते हैं और लेके आते हैं। लेकिन उनके मन में अभी भी खिज है कि मुझको आदेश दिया गया है, और उसी क्रोध में अब वो रानी की बात को नहीं समझ पा रहे हैं, सहज नहीं हो पाए, और उन्होंने भी सेम वही प्रोसेस किया जैसे अहिमन रानी के साथ व्यथा हुई थी। रानी को फिर जंगल के बीच में घोड़े और उनकी चोटी बांधी और घसीट दिया। तो घसीटने में फिर से वही होगा कि रानी की मृत्यु हो ही जाएगी अगर कोई लंबा चौड़ा किसी व्यक्ति को घोड़े के पूंछ से बांधे और घसीट दे जंगल के रास्ते, तो उसकी मृत्यु स्वाभाविक बात है। तो रानी की मृत्यु हो जाती है, राजा अपने देश वापस बोले कि वहाँ जाके कह दिया कि वो रानी नहीं आ रही है, तो ऐसा वो करके चले जाते हैं। अब ये सब देखती कौन रहती है, तो यहाँ फिर से पारलौकिक शक्ति का इस स्टोरी में आपको आगमन मिलेगा कि जो रानी होती है केवला रानी, वो माता पार्वती की भक्त होती हैं, अनन्य भक्त होती हैं, उनकी हमेशा पूजा करती हैं। तो ये सारी चीज़ जो है माता पार्वती देख रही होती हैं। अब जब उनकी भक्त जो है संकट में है, मतलब वो मृत्यु को ही प्राप्त हो गई और मृत्यु प्राप्त करके स्वर्ग पहुंचती, तो स्वर्ग में माता पार्वती उनसे मिलती हैं, उनकी व्यथा सुनती हैं और वो फिर से उनको पुनर्जीवित करती हैं, रानी को पुनर्जीवित करती हैं। और रानी जब जीवित हो जाती हैं तो जाती हैं फिर से राजा के पास जीवित होकर, और ये सारा कहानी सुनाती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, आपने जो किया उसके बाद मैं स्वर्ग गई और माता पार्वती ने मुझे पुनर्जीवित करके वापस भेजा है। तो राजा फिर दुखी होता है, अरे यार मुझको बात सुन लेनी चाहिए थी, यहाँ भी बात नहीं सुनी गई थी रानी की। तो यहाँ से फिर राजा खिन्न होके माफ़ी मांगता है और रानी के साथ फिर सुखी जीवन मिलता है। तो फिर से हैप्पी एंडिंग होता है इस कहानी का। लेकिन इस कहानी में भी आप देख रहे हैं
कि केवला रानी की मनोदशा को राजा ने समझने का प्रयास नहीं किया कि गौना एक प्रोसेस है, सामाजिक विधा है, और वो अगर विधा लेट होती है तो समाज के लोग सवाल उठाते हैं। रानी उस बात से चिंतित थी, वो आदेश नहीं कर रही थी, राजा से बस अपनी इच्छा जताई थी। तो ये कहानी में भी उसी कहानी की तरह आपको दिख रहा है कि नारी का अस्तित्व तो है लेकिन उनकी बात यहाँ सुनी नहीं जा रही है, राइट। अब आते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोनों कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं कहानी रेवा रानी की। रेवा रानी की कहानी थोड़ी सी भिन्न है इन दोनों कहानियों से। यहाँ पे एक राक्षस का आगमन होगा, तो इसके बारे में भी हम कहानी को थोड़ा डिटेलिंग करते हैं कि जो रेवा रानी है उनके राजा का नाम होता है राजा उग्रसेन। उग्रसेन अपने राज्य के राजा होते हैं और रेवा रानी उनकी रानी होती है, उनकी पत्नी होती है। तो यहाँ भी कहानी पहले स्टोरी की तरह है कि रेवा रानी जो है अपने सहेलियों के साथ चले जाती है विचरण के लिए। हालांकि इस बार राजा उग्रसेन उनको परमिशन दिए होते हैं, तो विचरण के लिए जाती है, सात सहेली आगे सात सहेली पीछे, ऐसा आपको स्टोरी में मिलेगा। बीच में रानी चल रही होगी और उनका पूरा काफिला जाता है जंगल घूमने फिरने स्नान करने। अब ये पिकनिक मना रहे होते हैं रानी, जो रेवा रानी है आपकी, अपने सहेलियों के साथ। तो इसी बीच जब वो जंगल से गुजरते हैं तो एक निशाचर होता है। निशाचर राक्षस का ही एक प्रारूप है अगर आप समझे तो। निशाचर बेसिकली रात में घूमने वाले जीव होते हैं या राक्षस है निशाचर। तो उनका नाम दुमदुमी निशाचर के तौर पे कहानी में मिलता है। तो वो निशाचर देख लेता है रानी को और रानी से मोहित हो जाता है। रानी काफ़ी सुंदर होती है, तो अब उसके मन में ये आता है कि रानी को मैं हासिल कर लूँ। तो पहले तो अगर वो डायरेक्ट जाएगा तो निशाचर बड़े भयानक दिखते हैं जैसा स्टोरियों में होता है, तो अगर वो डायरेक्ट चले जाता तो रानी डर जाती। तो दुमदुमी जो है अपना रूप बदलता है, राजा उग्रसेन के रूप में जाता है समक्ष और रानी के पास पहुंचता है। फिर वो अपना विचार रखता है, तो जैसा कि लड़कियों का सिक्स सेंस स्ट्रांग होता है तो रानी को भी कुछ समझ में आने लगता है कि ये राजा तो नहीं है, उनको वापस जाने बोलते हैं, मैं महलाऊंगी। तो निशाचर जो है गुस्सा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है तो अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। अब रानी की बाकी सहेलियां जो है डर के मारे भाग जाती हैं और ये रानी को ज़बरदस्ती पकड़ लेता है, उसके साथ दुराचार करता है। तो ये सब घटना होती है तो रानी काफ़ी खिन्न हो जाती है और वो जो निशाचर है दुमदुमी निशाचर उसको श्राप देने वाली होती है। तो दुमदुमी निशाचर डर जाता है और उसे क्षमा मांगता है, बोलता है कि ये मेरा गलती हो गया लेकिन मैं आपको एक वरदान भी देता हूँ कि मेरे से जो पुत्र आपको प्राप्त होगा वो अत्यंत बलशाली होगा और वो आपके राज्य को आगे जाके वही बचाएगा। तो चूंकि निशाचर रहता है तो उसकी शक्तियाँ उसके पुत्र में आनी ही थी। तो रानी अब चलो ठीक है उसको माफ़ कर देती है, वो जाती है और राजा को अपना व्यथा बताती है, ऐसा ऐसा हुआ। तो राजा खिन्न होता है और उसको राज्य से बाहर निकाल देता है। राज्य के बाहर आप रह सकते हो, मेरे साथ मत रहो। तो राज्य के बाहर वो निवास करने लगती है और उनका जो पुत्र होता है, मतलब जो निशाचर से प्राप्त होता है, उसका नाम वो रखते हैं केशराज। केशराज उसके काफ़ी लंबे केश होते हैं, ऐसा स्टोरी में आपको मिलेगा, और काफ़ी बलवान होता है। तो वो उनका पुत्र होता है और ये समय काल बीतता जाता है और राज्य में एक बार ऐसा होता है, जो उग्रसेन राजा है उनके राज्य में, कि बाहर से विदेशी आक्रमण होते हैं, बड़े बल दल के साथ आक्रमण होते हैं और राजा के राज्य की जो सेना है वो उसको संभाल नहीं पाती है। आखिरी अंत में वो हारने की तक के कगार में आ जाते हैं। तब रानी का जो पुत्र है केशराज, ये जाता है और उनकी रक्षा करता है, पूरे राज्य को बचाता है, क्योंकि वो बलवान होता ही है, निशाचर के उसके शक्ति उसके अंदर होती है। तो ये पूरे राज्य को उन शत्रुओं से बचाता है। तो यहाँ पर फिर फाइनली राजा जो है मानता है कि हाँ मेरी गलती हो गई, कि मैंने आपको त्यागा था लेकिन आप अपनी जगह सही थे, अब वो बात समझता है। तो यहाँ भी रानी की बात देख रहे हैं कि आप मुख्य रूप से नहीं सुनी गई, उनकी बात को संवेदना रूप से नहीं लिया गया। तो ये तीनों ही स्टोरी में आप देख पा रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति जो है, हालांकि प्रेम कहानी आखिरी में बन रही है, वो आखिरी में राजा समझ रहा है कि हाँ वो गलत नहीं है, किंतु आरंभिक दौर पे महिलाओं की बात नहीं सुनी जा रही है। अब तो ये तीनों स्टोरी में उसी तरीके का भाव आपको दिख रहा है।
अब चलते हैं राजा वीर सिंह की गाथा। राजा वीर सिंह एकमात्र आपको राजा दिख रहे हैं इन कहानियों में। यहाँ पे थोड़ी प्रेम प्रसंग की जो कहानी है वो वास्तविक नज़र आती है कि हाँ यहाँ पे राजा और रानी के बीच प्रेम होगा। और तो राजा वीर सिंह की जो कहानी है इसमें क्या होता है, राजा वीर सिंह की जो पत्नी होती है वो काफ़ी रूपवती गुणवती होती है, सुंदर होती है, उनकी परिचर्चाएँ अन्य राज्यों में भी रहता है। अब राजा वीर सिंह चूँकि काफ़ी परक्रमी राजा होते हैं, इनका भी नाम राजा वीर सिंह है, वो वाले राजा वीर सिंह नहीं है जो पहले वाले हैं। तो इस स्टोरी में क्या होता है, राजा वीर सिंह के राज्य में एक जोगी आता है। जोगी कहने का मतलब जो ऋषि मुनि टाइप होते हैं और जो थोड़े बहुत चमत्कार जानते हैं। तो फिर से इसमें चमत्कार और अंधविश्वास वाली भाव आपको दिख रहे हैं वीर गाथा काल के स्टोरीज़ में। तो यहाँ पे जब जोगी आता है तो जोगी जो है कुछ नए नए चमत्कार करके दिखाता है, मतलब राजदरबार में अपने चमत्कारों का प्रदर्शन करता है। इससे राजा काफ़ी प्रसन्न होते हैं कि बड़ा अच्छा जोगी है, इसको तो बड़े चमत्कार आते हैं, और उनको अपने राज्य में कुछ दिन सेवा सत्कार का वो निमंत्रण देते हैं कि आप रहिए, हम सेवा सत्कार करेंगे। तो जोगी रुकते हैं और राजा की सेवा वो स्वीकार करते हैं। लेकिन इसी बीच जब जोगी का मुलाकात राजा की पत्नी से होता है, रानी से, तो उसके गुण को और उनके रूप को देख के मोहित हो जाते हैं और उनके मन में भाव आता है कि रानी को मैं ले चलूं हर के। तो क्या करता है जोगी, अपने चमत्कार से रानी को बना देता है मक्खी। तो यहाँ फिर से आप देख रहे हैं एक चमत्कारिक स्टोरी, अंधविश्वास वाली, अंधविश्वास के आसपास ओतप्रोत या पारलौकिक शक्तियों पर विश्वास। तो फिर वो मक्खी बना लेते हैं रानी को और अपने साथ झोले में भर के राजा के महल से चले जाते हैं। तो अब वो जोगी तो चले गया, अब राजा बाद में खोजता है रानी कहाँ गई, पूरे राजमहल में खोजने से रानी नहीं मिलती। अब राजा भारी चिंतित कि भाई रानी गई तो गई कहाँ, तो वो पूरे दरबारियों को लगा देता है खोजने में, खोजो राज्य में कहाँ चली गई बिना बताए। तो ऐसा करते करते काफ़ी दिन हो जाते हैं, 3-4 दिन, जब रानी नहीं मिलती है तो फाइनली वो भी किसी तांत्रिक का सहारा लेते हैं और उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई रानी को खोजो कहाँ गई। तो वो तांत्रिक जो है अपने तंत्र विद्या से बताता है कि जो जोगी आया था आपके यहाँ वो जो है दुष्ट जोगी था, मतलब वो अच्छा वाला जोगी नहीं है, वो ही जो है रानी को मक्खी बना के अपने साथ ले गया है। तो राजा कहता है भाई आप भी तांत्रिक हो, आप भी तंत्र मंत्र जानते हो, तो आप तंत्र मंत्र से उसको ले आओ वापस ठीक करके जैसा भी हो। तो जो राजा के तांत्रिक होते हैं, राज्य के तांत्रिक होते हैं, वो बताते हैं कि वो जोगी जो है काफ़ी पावरफुल तांत्रिक है, उससे हम लोग नहीं लड़ पाएंगे। तो अब राजा और चिंतित कि किया क्या जाए। तो फिर तांत्रिक उनको बताते हैं कि आप शिवजी की आराधना कीजिए, शिवजी से बड़े तांत्रिक कोई नहीं, वही आपके इस पीड़ा का हरण कर पाएंगे। तो फिर राजा जो है शिवजी की आराधना करता है और शिव जी से वरदान मिलता है उसको, और फिर वो जाता है जोगी से लड़ाई करता है और शिव जी के वरदान के कारण वो जीत जाता है, फाइनली फिर रानी को लेके आता है। तो एकमात्र ऐसी स्टोरी है जिसमें रानी के प्रति राजा का अच्छा व्यवहार आपको दिख रहा है, प्रेम भाव आपको दिख रहा है। तो ये चारों स्टोरी महत्वपूर्ण स्टोरी है इस गाथा युग की, प्रेम गाथा के रूप में। इनको आप चारों को याद रखेंगे। ये डायरेक्ट पेपर में पूछ लेता है कि अहिमन रानी की कथा या गाथा के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए, तो संक्षिप्त वर्णन, विस्तृत वर्णन आ सकता है। तो आप प्रश्न के आधार पे उसका लेखन परिचालन करेंगे। अब गाथा युग के ही दो धार्मिक गाथाएं हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। एक है फूलबासन गाथा और एक पंडवानी। पंडवानी के बारे में आप सभी विदित हैं, फिर भी साहित्य के दृष्टिकोण से कैसा है वो हम देखेंगे। फूलबासन गाथा ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, फूलबासन गाथा ये आ चुका है PSC के एग्ज़ाम्स में और कई बार व्यापम में भी पूछा हुआ है। फूलबासन गाथा किससे संबंधित है, क्या स्टोरी है? तो फूलबासन गाथा जैसा नाम से ही लग रहा है, फूल बासन, फूल वगैरह से संबंधित होगा, तो वैसी ही स्टोरी है। फूल बासन की गाथा बेसिकली लक्ष्मण और सीता, मतलब भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण और माता सीता श्री राम की पत्नी, उनके संवाद से संबंधित है। उन्हीं दोनों के संवाद इस फूल बासन गाथा में मिलेगा आपको। तो क्या है स्टोरी,